हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिजाइन लेडीज डिजाइन। आज मैं आपको दामन वर्क फैब्रिक दिखा रही हूँ। दामन वर्क में होती है जो ऊपर से प्लेन होती है और नीचे में बहुत सारे वर्क होते हैं। तो आजकल बहुत सारे लहंगे वगैरह जो है नेट पे डिज़ाइन होती है, और नेट में इसलिए भी ज़्यादा दिखाती हूँ क्योंकि नेट जो है ना अदर फैब्रिक्स के कंपेरिजन में थोड़ी सस्ती होती है। तो चलिए मैं नेट फैब्रिक और दामन वर्क फैब्रिक आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो आज मेरे पास है वो ब्लू कलर की है, ये देखिए, और ब्लू के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए, इस बार मैंने सीक्वेंस नहीं लिया है, दूसरा है सीक्वेंस। इस बार मैंने आपको ये थ्रेड वर्क दिखाया है दामन, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी डिटेलिंग कैसी है। थोड़े पास से भी आप देखें इसके फ्लावर्स को, तो आप इसके फ्लावर्स की डिटेलिंग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से है। तो इस तरीके का फैब्रिक है, और इसके आप बच्चे लोगों का फ्रॉक बनाएंगे ना, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और आप इससे अपना जो मतलब हाफ हाफ साड़ी बनाते हैं ना, तो भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं नीचे में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी 3 मीटर जो होगी वो आपकी हाफ हाफ साड़ी के लिए यूज़ होगी। और आप अभी बहुत सारे सीरियल्स में मैंने इस तरीके का दुपट्टा भी देखा है कि मतलब दामन वर्क का जो फैब्रिक होता है उसको एज ए दुपट्टा भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसके स्कर्ट बना के और इसमें कुछ कुछ मोती मतलब स्टोन वगैरह चिपका के आप इसको ना बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर बना सकते हैं। और लेस लगा के आप इसके साथ मतलब नेट अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप इस फैब्रिक को दामन बना सकते हैं, और इस तरीके का पिंक फैब्रिक के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के पिंक फैब्रिक के साथ कॉम्बिनेशन होगी, और ये आपके नीचे वाली दामन में चली जाएगी, और ये आपकी इसके साथ पल्लू आ जाएगी। तो देखिए आप कि ये कॉम्बिनेशन कैसी लग रही है, पिंक और दामन को मैं यहाँ रख के दिखाती हूँ, ये पिंक और ये पिंक। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के पिंक के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको अगर नेट है और बाद में भी आप इस नेट को यूज़ कर सकते हैं, अगर हाफ हाफ आपने साड़ी बना ली तो ये भी हो गई, जो कि बहुत अच्छी है। आप एक बार अच्छे से डिटेलिंग देख ले, ये देखिए। तो इसका मैं एक और कलर आपको दिखा रही हूँ, ग्रे कलर, ये देखिए, ग्रे के साथ भी पिंक है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये रेड और लाइट पीच कॉम्बिनेशन है, देखिए, तो ये भी बहुत अच्छी है। और इसमें जो नीचे दामन पे काम है ऊपर हल्के हल्के काम है, तो इस तरीके के फैब्रिक का आप साड़ी का दामन बना सकते हैं, आप स्कर्ट बना सकते हैं, लहंगे का स्कर्ट जो होता है, और आपकी ये इस तरीके से हो गई। और डिज़ाइनर ब्लाउज रखिए और अच्छा दुपट्टा रखिए, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होगी। अगर साड़ी बनानी है तो मैंने कुछ बॉर्डर्स ऐड कर दिए, उस तरीके के बॉर्डर्स जो फ्लावर वाले होते हैं थ्रेड वर्क वाले, उस तरीके के बॉर्डर यूज़ करके आप साड़ी भी बना सकते हैं। और अगर आप सूट बनाना चाहते हैं सूट भी बना सकते हैं। इनफैक्ट आजकल मैंने देखा है नेट की प्लाजो भी बहुत चल रही है। अगर आपके पास पिंक कुर्ती है कोई डिज़ाइनर, तो आप इस तरीके के फैब्रिक से प्लाजो भी बनवा सकते हैं, और नेट की प्लाजो भी बहुत ज़्यादा वो गरारा जो बोलते हैं वो भी बहुत अच्छे से अच्छी लगेगी इस तरीके की फैब्रिक का। तो इस तरीके के फैब्रिक से आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका एक वाइट कलर भी है, और 2-3 और कलर है मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। वाइट के साथ भी पिंक का कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं आपको तीसरी दामन वर्क दिखा रही हूँ, जो कि ये रेड कलर पे है, ये देखिए। तो ये है जो सीक्वेंस का काम है, तो ये रेड और ग्रीन के साथ है। तो इस तरीके का लहंगे के लिए आजकल बहुत ही यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आपने बहुत सारे लहंगे देखे होंगे, और क्या होता है कि अगर आपने इसका लहंगा बनवा लिया है तो आप 1 मीटर एक्स्ट्रा लेके और इस वाले पोर्शन से आप अपने लिए ब्लाउज भी बनवा सकते हो उसी सेम का ही। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ही चल रहा है कि लहंगा आपका स्कर्ट वाला पोर्शन जो है वो हैवी हो रहा है, और जो स्कर्ट में है 1 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं, और ये जो प्लेन फैब्रिक होती है उसका स्लीव्स बनवा लेते हैं, और जो ये कढ़ाई वाली होती है उसका हमने अपना ब्लाउज बनवा लिया है। तो इस तरीके से हमारी पूरी लहंगे की कॉम्बिनेशन चलती है। तो ये देखिए, ये हुई इस फैब्रिक की बात। तो आप इसके साथ भी हाफ हाफ साड़ी बना सकते हैं, आप इसको डिज़ाइनर नीचे की तरह रख सकते हैं, और ऊपर ग्रीन जो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन जाएगी, गोल्डन भी इनफैक्ट, तो आप आंचल में गोल्डन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फैब्रिक की डिटेलिंग है, और बहुत जगह आपने देखा होगा इस तरीके से दुपट्टा भी रखते हैं, देखिए। तो दुपट्टे के साथ क्या है, 2.5 मीटर अगर आपने दुपट्टा यूज़ कर लिया ना, इन फर्दर आपको अगर उस दुपट्टे को रीयूज़ करना है तो आप हाफ हाफ कॉन्सेप्ट की साड़ी भी बना सकते हैं। और इनफैक्ट बच्चों लोग की जो फ्रॉक होती है वो भी 2.5 मीटर में बहुत अच्छी फ्रिल वाली बन जाएगी, तो वो भी बना सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये हो गई इसका।